हेलो एवरीवन, आज है 18 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेट एयरवेज के बारे में। देखिए, बहुत कुछ चल रहा है जेट एयरवेज के बारे में। और जेट एयरवेज में पिछले जब ये क्राइसिस शुरू हुआ उससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका था, जब ये शायद 250 रुपए के आसपास, उससे भी ऊपर ट्रेड करा था। और तब मैंने कहा था कि खरीदारी मत कीजिए, काफी बड़ी इसमें गिरावट आने वाली है। आज ये शेयर 164 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, 74-75 रुपीज तक के गिर चुका है। 31% से भी ज्यादा की गिरावट इसमें आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आखिर रीजन क्या है, और इसमें अब खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, और किस तरीके से आगे का सिनारियो हो सकता है। तो पिछले एक हफ्ते की मैं बात करूं तो जेट एयरवेज में पिछले एक हफ्ते में 37% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। देखिए, 163 रुपीज का लो बना है और 263 रुपीज का हाई ये बना चुका था ये एक हफ्ते पहले। एक महीने की बात करेंगे तो एक महीने में देखिए 30% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। 277 रुपीज तक का हाई ये बना चुका था ये शेयर। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो एक साल में जेट एयरवेज में 73% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। 640 रुपये से भी ज्यादा का हाई इसने बनाया था। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में 74% से भी ज्यादा की गिरावट है। 870 रुपये तक ट्रेड कर चुका था। देखिए, गिरावट आई और बढ़िया तेजी आई, यहां से गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर अब वापस गिरावट की तरफ ये शेयर जा रहा है। पिछले 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में जेट एयरवेज में 18% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। देखिए, 905 रुपये तक ट्रेड कर चुका है ये शेयर। चार्ट इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, तेजी आती है और उससे भी ज्यादा भयंकर गिरावट आती है। देखिए, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आई है। 2011 में ये शेयर ट्रेड कर 2010 में ये शेयर 880-890 पर ट्रेड कर रहा था, और 2011 आते आते ये शेयर अगेन 180 रुपए तक चला गया। देखिए, लेकिन उसके बाद फिर से बाउंस बैक किया। 2012 आते आते ये शेयर 600 रुपए तक चला गया, लेकिन अगेन 2014 के आते वक्त 210 पे चला गया। फिर वापस 2016 में ये 750 तक क्रॉस किया। फिर वापस से आप देख सकते हैं कि 2017 में ये 300 तक चला गया। फिर वापस से 2018 में ये 800 रुपये से भी ऊपर चला गया था ये शेयर, और उसके बाद 2018 में ही 190 रुपये तक चला गया, और उसके बाद 300 तक भी गया था वो उसी साल में, और अब यहाँ पर ये 163 रुपीज तक का लो बना चुका है ये शेयर। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, स्मॉल कैप इंडस्ट्री है, एयरलाइन से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, 1860 करोड़ का इसका मार्केट कैप एनएससी में अगर आप देखेंगे तो 5.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड इसमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो इनके नतीजे हैं वो बहुत ही बुरे हैं पिछले काफी ज्यादा क्वार्टर्स में। देखिए, हर क्वार्टर्स में इनके 1200 1300 करोड़ के नेट प्रॉफिट में घाटा हो रहा है। देखिए, सितंबर 2018 में 1300 करोड़ का नुकसान हुआ था इनको। दिसंबर 2018 के क्वार्टर में 580 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान इनको सहन करना पड़ा था, और प्रॉफिट मार्जिन इनका माइनस में है। प्रॉफिट मार्जिन इनका हाल फिलहाल आप देख सकते हो कि माइनस में है इसका प्रॉफिट मार्जिन। और अगर हम यहाँ पर बात करें शेयर होल्डिंग की, तो एफआईएस के पास 1.47% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 3.58% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.14% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 41.64% की होल्डिंग है, अदर डीएस के पास 51.17% की होल्डिंग है। देखिए, दो म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया है और 30 FIIs भी इसमें इन्वेस्टेड है, और इंडिविजुअल होल्डिंग 12.17% की इसमें इंडिविजुअल होल्डिंग है। 2007 से डिविडेंड पे करना बंद कर दिया है। देखिए, 2007 से ये शेयर डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये तब भी डिविडेंड पे नहीं कर रहा था जब ये 700 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, 800 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, 900 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, तो ये तब भी डिविडेंड पे नहीं कर रहा था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इंडस्ट्री 2007 से अगर डिविडेंड पे नहीं कर रही है और फिर भी इसकी प्राइस 800-900 तक चली जाती है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। और जेट एयरवेज की अभी जो क्राइसिस चल रही है उसमें यह है कि अपने एम्प्लॉयज को वो सैलरी तक नहीं पे कर पा रहे हैं, और काफी लोगों को निकालने की भी प्रोसेस चल रही है। तो एम्प्लॉयज काफी गुस्से हो चुके हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उन्होंने सारी जेट एयरवेज की जितनी भी फ्लाइट्स है वो सारी की सारी कैंसिल हो चुकी है। ये भी एक न्यूज़ है हाल फिलहाल में। और ये है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से इसके बारे में कंप्लेन की है कि आप वो कुछ इसमें बीच में करें और फ्लाइट को और जेट एयरवेज को डूबने से बचाए। तो देखिए, जेट एयरवेज सीन्स ये है कि इट दिस इज कंटिन्यू टू डू नॉट नो व्हाट टू डू सेड 53 ईयर्स ओल्ड फादर वुड। तो काफी लोग अभी हाल फिलहाल इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
तो जेट एयरवेज सीईओ विनय दुबे टोल्ड एम्प्लॉय ऑन वेनेसडे दैट द सेल वुड टेक टाइम एंड कुड थ्रो अप मोर चैलेंजेस बट इट वुड कॉन्फिडेंट दैट एयरलाइंस वुड फ्लाई अगेन। तो देखिए जेट एयरवेज के जो सीईओ है विनय दुबे ने, उन्होंने कहा है कि ये लोग अभी बेचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा, और उनको भरोसा है कि जेट एयरवेज की वापस से उड़ान बनना शुरू हो जाएगा। फेलियर वुड थ्रेटन मोर देन 16,000 स्टाफ, 16,000 स्टाफ की नौकरी पर बनी आई है, एंड 1,000 मोर ट्राई टू एयरलाइंस विच पिक 120 प्लेन्स एंड 600 डेली फ्लाइट्स। तो काफी ज्यादा यहाँ पर दिक्कतें चल रही है, और सारे जो एम्प्लॉयज है सबकी भी सैलरी पर अब जान बनी है कि अब सबको निकाला भी जा सकता है। मोर देन अ डजन एम्प्लॉय टोल्ड राउटर दैट दे हैड गॉन 2 to 4 month विदाउट पे। तो पिछले दो या 4 महीनों से बिना सैलरी के तो ये लोग काम कर ही रहे थे, और उनका ये भी कहना है कि उनके बिल्स से लेकर होम लोन से लेकर उनके बच्चों के स्कूल और ट्यूशन फीस सब कुछ पेंडिंग में है, सब कुछ पेंडिंग में है। और उनका ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा है कि वी हैव स्टॉप्ड गोइंग आउट फॉर मूवीज टू रेस्टोरेंट टू अदर एंटरटेनमेंट सेड अ जेट इंजीनियर हु इज सेल्फ ट्यूटरिंग टू चिल्ड्रन कैंसलिंग प्राइवेट ट्यूशन। उन्होंने तो काफी लोग यहाँ पर दिक्कत का सामना कर रहे हैं, और सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो अभी काफी ज्यादा नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने देखिए जेट पायलट्स अपील फॉर इंटरवेंशन फ्रॉम पीएम मोदी हु इज फेसिंग द वाइडर क्रिटिसिज्म ओवर द सेक्रेटरी ऑफ जॉब एंड कैंपेन रिलेशन पोस्ट। तो देखिए जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि हम आएंगे तो सबको काफी ज्यादा जॉब्स मिलेगी, जॉब्स काफी ज्यादा क्रिएट होगी, लेकिन यहाँ पर अगर एक कंपनी डूब रही है तो इसमें 16,000 से 20,000 एम्प्लॉयज की जॉब चली जाएगी। तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इसमें बीच में इंटरफियर करने के लिए भी बोला है। और दूसरी बात अगर यहाँ पर है कि एम्प्लॉयज काफी ज्यादा नाराज है अभी हाल फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और तो और अगर हम बात करेंगे कि जेट एयरवेज की सारी फ्लाइट्स है वो सस्पेंड हो चुकी है, वो कोई भी फ्लाइट्स अभी हाल फिलहाल चल नहीं रही है, और ये भी एक बहुत ही बड़ा इश्यू निकल के आ गया है। तो यहाँ पर है कि जेट एयरवेज वॉज फाइनली ग्राउंडेड फॉर नाउ एंड इट्स लास्ट फ्लाइट अ बोइंग 732 टच डाउन द मुंबई एयरपोर्ट अर्लियर। तो आखिरी फ्लाइट थी जिन्होंने उड़ान भरी थी जेट एयरवेज की, और काफी लोग अभी हाल फिलहाल ये कह रहे हैं कि शायद इनकी हालत भी किंग फिशर टाइप की तो नहीं होगी, क्योंकि अगर हम पीछे जाएं तो किंग फिशर की भी सेम हालत थी, वो भी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे नहीं कर पा रहे थे, और वो लोग बाद में उसको बंद करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर है कि जेट एयरवेज के बंद होने से फायदा हाल फिलहाल किसको, इंडिगोज और स्पाइस जेट एंड गोवा जो कंपटीशन है उनके भी डाउनफॉल आ सकते हैं, उनका ये कहना है। जब जेट एयरवेज आई थी तब इन सबके डाउनफॉल आए थे, और अभी उनके लिए थोड़ा सा सॉरी उनके लिए थोड़ा सा फायदा हो सकता है। और दूसरी चीज अभी यहाँ पर जो देखने को मिल रही है कि जेट एयरवेज काफी ज्यादा क्राइसिस से गुजर रही है। तो यहाँ पर अब लोग मुझसे कहेंगे क्या अभी इसमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं उनको बोलूंगा कि डेफिनेटली इसमें हाल फिलहाल इसमें पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि काफी रिस्की शेयर है ये, और अभी आगे क्या होगा शायद इनकी सिचुएशन किंग फिशर टाइप की बनेगी या नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग इनको मिल जाए, एसबीआई या और कोई बैंक इनको फंड करने के लिए तैयार हो जाए, और शायद यहां से ये इस क्राइसिस से अगर बाहर आ जाते हैं तो शेयर्स में और भी ज्यादा उछाल आने की पॉसिबिलिटीज है। देखिए अभी हाल फिलहाल गवर्नमेंट पर भी काफी ज्यादा प्रेशर बन रहा है इस जेट एयरवेज की कंट्रोवर्सीज को लेके, क्योंकि 20,000 लोगों की जॉब पर बनी बनी हुई है हाल फिलहाल। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक डिसीजन लिया जाता है कि एसबीआई इनको फंड कर लेगी, क्योंकि देखो जेट एयरवेज के जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने एसबीआई से कहा था कि वो इनको फंड करे और किसी तरह इनको बचाने की कोशिश करे, तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है तो शेयर्स में बहुत बड़ा उछाल देखने को भी मिल सकता है। लेकिन हाल फिलहाल इसमें काफी ज्यादा नेगेटिविटी भी फैल चुकी है, काफी ज्यादा इनके पास पैसा ही नहीं है, सारे के सारे इनके जो डेट्स हैं वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, इवन इनके पास प्लेन में ऑयल डलवाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। तो इसीलिए सारे के सारे जो इनके फ्लाइट्स हैं वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, तो जितने भी ऑपरेशनल्स हैं वो अभी शट डाउन हो चुके हैं। तो जब तक इनके पास पैसा नहीं आता तब तक इनके शुरू होने के चांसेस बहुत ही कम है।
तो ऐसी स्थिति में मैं यही कहूंगा कि हाल फिलहाल इसमें ना पड़े, वेट कीजिए, वॉच कीजिए, देखिए क्या होता है। अगर कुछ अच्छा निकलने की पॉसिबिलिटीज है तभी इसमें घुसने की कोशिश करें। थोड़ा महंगा खरीदेंगे चलेगा, लेकिन सस्ता देखकर अगर अभी से कूदने की कोशिश की तो क्या पता इसका बॉटम और कितने नीचे तक छुपा हुआ भी हो सकता है। तो हाल फिलहाल मेरे हिसाब से जेट एयरवेज में थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर इसमें कुछ अच्छा निकल जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा महंगा, भले हम 20-30 रुपये महंगा शेयर खरीद ले, लेकिन एक सेफ शेयर में इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।